मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अभी तक मैं आप लोगों को क्लास 7 का अध्याय 1 और 2 पढ़ाई हूँ। जो जो बच्चे का क्वेश्चन ऐसा लिखे हुए हैं, उन बच्चों से कहना है कि जहाँ जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए जो आप वो व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं। आज मैं आप लोगों को पार्ट 3 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन है कि भूपटल या भूपट्टी से आप क्या समझते हैं। भूपट्टी भूपट्टी या भूपटल से आप क्या समझते हैं। आंसर होगा भूपट्टी या भूपटल के विभिन्न आकार की छोटी या बड़ी कठोर संरचनाएं होती है, ये गतिशील होती है, जिन्हें भूपटल या भूपट्टी कहा जाता है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं।
क्वेश्चन है ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं। आंसर होगा पृथ्वी के ताप एवं दबाव ब्रैकेट में चट्टानी पिघली अवस्था में रहती है जिन्हें मैग्मा कहा जाता है। यह सदैव गतिशील रहता है, जहाँ कहीं भी पृथ्वी की कमजोर परत होती है वहाँ से यह धरातल के ऊपर में भाप राख आग एवं गर्म तरल के रूप में निकलता है, तो उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे अपने अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।